नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूँ आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नौ देवियों का रहस्य, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे खास उपाय जिनके जरिए आप अपने नवरात्रों को खास बना सकते हैं। आज के दिन देवी माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने के चलते देवी के पांचवें स्वरूप की पूजा की जाती है और पांचवें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। माता का ये स्वरूप आपको शक्ति प्रदान करता है और सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करता है। स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए और कैसे वरदान हासिल किया जाए उनसे, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तीन देवियां हमारे साथ मौजूद हैं। वान्या आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। नीति शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है, स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त। इसके साथ ही हमारे साथ पारुल चौधरी जी भी जुड़ चुकी हैं। पारुल जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल वान्या जी मेरा आपसे रहेगा, देवी माँ को लेकर, स्कंद माता जिन्हें कहा जाता है कि आप हमें शक्ति प्रदान करती हैं, लेकिन धन का वरदान अगर इनसे पाना हो तो कौन से उपाय किए जाएं? अच्छा प्रश्न आपने पूछा शीनम जी। स्कंद माता जिन्हें गॉडेस ऑफ स्कंदा भी जो है कहा जाता है, देवी का पांचवा रूप है ये, और जो फिफ्थ नवरात्रि होता है उसमें हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। ग्रे कलर जो होता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और इनको वाइट कलर भी जो है वो बहुत पसंद होता है। ये हमारी बुद्धि की देवी होती है, विजडम की देवी होती है, शक्ति की देवी होती हैं, हमें लाइफ में राइट विजडम देती हैं, ताकि जिससे जो भी हमारी लाइफ की चीज़ें हैं, चाहे आपका फिनेंशियल है, हेल्थ सेक्टर है, कोई भी है, उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आप माँ स्कंद माता को केले की मिठाई का भोग अगर आप लगा सकते हैं, कच्चे केले की मिठाई अगर आप खुद बना सकते हैं, तो वो भोग से माँ जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। एक और चीज़ जो है वो आप माँ को खिला सकते हैं, आपने थोड़ा सा दूध लेना है, उस दूध को थोड़ी देर उसमें थोड़े से केसर के स्ट्रिंग्स डाल लें, तो वो उसमें आप उसको बॉयल कर लीजिए, फिर आप पिस्ता लीजिए, उसको ब्लेंड करके आप वो भी उस दूध में अगर आप मिला देते हैं, और वो दूध का भोग अगर आप माँ के आगे सामने रखते हैं, वो भोग जो है माँ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर आप ऐसा करते हैं आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो है आप कच्चे केले की बर्फी जो है वो भी अगर आप माँ को खिलाएं, केसर का दूध का भोग उन्हें कंटिन्यूस जो है पिलाएं, और हमारी विशुद्धि चक्रा से भी जो है बहुत कनेक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बुद्धि देती हैं, और विशुद्धि चक्रा थ्रोट चक्रा जो होता है हमारी वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इससे अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें विजडम देती है, ताकि हम सही वाणी से अपने जीवन में अपने धन को जो है मैनिफेस्ट कर पाएं, अपने राइट धन को जो है अट्रैक्ट कर पाएं। उसके लिए आप माँ स्कंद माता के सामने बैठिए, और जो है माँ का मंत्र आप जो है रात भर जो है अगर आप दिया उनके आगे एक जला देते हैं देसी घी का, और वहाँ पर उसमें हल्का सा जो है ज़रा सी हल्दी डाल देते हैं, और उसके बाद आप जो है माँ का जाप कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, सबसे सिंपल मंत्र आप वहीं बैठ के कीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे आपकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद बाकी चीज़ें भी सही होंगी। लेकिन शक्ति की अगर हम बात करें, शक्ति आपको तभी मिलेगी आपका नौकरी आपकी व्यवसाय अगर अच्छा चलेगा। ये सवाल मेरा रहेगा नीति जी से। नीति जी, अगर नौकरी व्यवसाय में परेशानी आ रही हो तो देवी स्कंद माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्योंकि उन्हें शक्ति की देवी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता आपकी बुद्धि और आपकी वाणी की कारक हैं, आपकी वाक्पटुता शैली की कारक हैं। नौकरी में जो लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं, जैसे कि आप मीडिया के क्षेत्र में आपको अपनी वाणी से लोगों को संबोधित करना है, तो जहाँ जहाँ आपकी स्पीच बहुत वैल्यू रखती है, तब आपको स्कंद माता की पूजा और उनकी कृपा की विशेष आवश्यकता पड़ती है। आज के दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है, जैसे कार्तिकेय की माता मानी जाती है। नौकरी के साथ साथ अगर संतान में भी कोई बाधा आ रही है, वो बाधा भी माता स्कंद माता आपकी पूर्ण करती हैं। आज के दिन कुछ आप विशेष उपाय करें। एक तो माँ स्कंद माता का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आज के दिन आपको माता को इलायची का और लौंग का भोग लगाना है, 5 इलायची और 5 लौंग माँ को भोग में लगानी है। साथ साथ अगर आज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एक हरे रंग के रुमाल में आप 5
इलायची, 5 लौंग और साथ में थोड़ी सी मिश्री मिक्स करके आप उस रुमाल में बांध के अपने पॉकेट में रख के जाइए। निश्चित रूप से आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाएगा। साथ साथ इलायची का और मिश्री का सेवन भी आपको करना है। आज के दिन विशेष रूप से आपको 5 गायों को हरे पालक खिलाना है। चाहे आप गौशाला में जाइए या आपको स्ट्रीट्स में अगर कोई काउज मिलती हैं तो हरा पालक आप 5 गायों को, सफ़ेद गायें हो तो और अच्छी हैं, आप उनको पालक खिलाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। साथ साथ अगर आपको नौकरी में कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि आपके बॉस के साथ आपके संबंध नहीं बन पा रहे हैं या हर बात पे कोई लड़ाई हो जाती है, तो आज के दिन माँ को अगर आप एक मीठा पान भोग में लगाते हैं तो निश्चय रूप से आपका जो कलेश है अपने बॉसिस के साथ वो कहीं ना कहीं शांत होगा। माता के कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको दूबा घास आज के दिन गणपति को चढ़ानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्तिकी जी के छोटे भाई गणपति जो सिद्धिदायक हैं, कहीं ना कहीं विघ्न के हर्ता माने जाते हैं, उनकी भी पूजा आज के दिन करी जाती है। माता को भोग में आज के दिन केले का प्रसाद आपने अर्पण करना है। साथ साथ कोई भी हरे रंग की मिठाई जिसमें पिस्ता और इलायची मिला हो वो आज के दिन माँ को भोग में लगाएं। आज अगर आप वस्त्र भी डालते हैं तो हरे रंग का वस्त्र पहन के अगर आप नौकरी में जाएंगे तो आपको विशेष कृपा मिलेगी। नीति जी, अगर बिजनेस वालों की हम बात करें उनके लिए क्या खास उपाय रहेगा देवी स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए? जी, स्कंद माता जो वास्तु की दृष्टि से और बिजनेस की दृष्टि से जो डायरेक्शन को डिनोट करती है वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि उत्तर डायरेक्शन को डिनोट करती है, जो अवसर प्राप्ति की डायरेक्शन है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में नए अवसर खुलें तो अपने व्यवसाय स्थल की नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक नीले रंग की बॉटल में मनी प्लांट को लगाना है और ये ध्यान रखना है कि उस मनी प्लांट की बॉटल में आप एक चांदी का सिक्का और थोड़े से साबुत अक्षत जरूर डालें ताकि अक्षय यानी कि आपका धन जो है वो अक्षय रहे, वो कभी भी क्षय ना हो, उसकी वृद्धि होती रहे। एक विशेष रूप से ध्यान देना है कि मनी प्लांट की जो बेल है वो हमेशा ऊपर की ओर जाए। कई बार मनी प्लांट नीचे को गिर रहा होता है, उसको आप इमीडिएटली टाई करके ताकि आपको ग्रोथ मिले बिजनेस में। साथ साथ अगर आपके बिजनेस स्थल में आज के दिन आप विशेष रूप से अगर आपने वहाँ पर लक्ष्मी माँ का चित्र जरूर होगा, गणेश लक्ष्मी को आप विराजते हैं, तो गणेश लक्ष्मी के सामने आप एक श्री यंत्र को आज के दिन स्थापित करें, उसकी नियमित रूप से पूजा करें। निश्चय रूप से श्री यानी कि धन की प्राप्ति आपके कार्यस्थल में स्थिर रूप से होती रहेगी। बिल्कुल नीति जी, आपने सही कहा, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि आपके रिश्तों में भी मधुरता हो। पारुल जी से अगला सवाल मेरा रहेगा कि धन, नौकरी, व्यवसाय ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन घर में एक अच्छा माहौल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का अपने बच्चों के साथ रिश्ता हो। तो ऐसे में रिश्तों में मधुरता लाने के लिए देवी स्कंदमा किस तरह से काम करती है, किस तरह से आपको शक्ति प्रदान करती है और क्या कुछ खास उपाय आप बताना चाहेंगे? ओम क्लीम स्वामिनी नमः। देखिए माँ जो है इसमें शक्ति तो है, लेकिन शक्ति के स्वरूप के साथ आप देखिए कि कार्तिक के पुत्र का उस टाइम पे जन्म हुआ था, माँ उस कार्तिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। तो माँ पुत्र का जो रिश्ता है कितना सुंदर रिश्ता है और माँ ने इसको बहुत ही ज़्यादा मधुरता के साथ और सौंदर्य के साथ दिखाया है, दर्शाया है कि कितना योद्धिक था, योद्धा हमारा कार्तिक रहे हैं जो योद्धा के नाम से इतने मशहूर रहते हैं, फिर भी माँ की अपनी कितनी सेवा करी उन्होंने, कैसे उनकी माँ की बात मानते हैं, जिनके बच्चे अगर मैं बोलूँ बात नहीं मानते, जब छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई ज़िद्दी हैं या किसी वजह से उनमें आपसी में माँ पुत्र में या माँ पुत्री में किसी में मतभेद सा रहता है, आजकल जैसे कि मेंटेलिटी नहीं मिलती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि कम्युनिकेशंस ख़राब हैं क्योंकि जनरेशन गैप हो चुका है, कम्युनिकेशन गैप आ चुके हैं, तो आजकल बच्चे माँ बाप से अपनी बातें शेयर करना नहीं चाहते और माँ बाप कई चीज़ें ले भी नहीं सकते, कुछ ट्रिक किस्म के भी होते हैं। तो ऐसे में बच्चों को आज उपाय दे के जाऊँगी ताकि बच्चे अपनी माँ को मनाने के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। तो कमल गट्टा उनको लेना है, उसको पीसना है कमल गट्टे को, और कमल गट्टे को पीस के देसी घी, जो आपका गाय का देसी घी होता है, उसकी बर्फी बनाइए कि जो कि लड़कियां तो कर ही सकती हैं, जो पुत्रें हैं वो तो कर ही सकती हैं, और अपनी माता को भी खिलाइए और स्कंद माता को भी भोग लगाइए। और अगर आप ये नहीं कर सकते, बहुत एक ईजी सी चीज़ है, रोटी तो आपके घर में रोज़ ही बनती है, तो आप रोटी बनाइए, उसके ऊपर आपने शहद लगाना है और आपने अपनी मध्य फिंगर से, ये वाली मिडल वाली फिंगर से आपको लगाना है शहद,
रोज उस पे लगाइए, रोज आप गाय को, सफेद गाय को, और घर में रोटी बना देंगे तो वैसे ही आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। माता रोटी जी तो आपको बनानी, और आपको रोज ही गाय को, सफेद गाय को मेंशन कर रही हूँ, फिर आप बोलो ये गाय नहीं मिली, वो गाय नहीं मिली, गाय को ही खिलानी है। कोई और जन जातु या कोई भी आपको चीज मिलती है उसको नहीं खिलाना, गाय को 11 दिन खिलानी है। हर चीज आपको जो भी उपाय, अभी 11 दिन को आपको संपूर्ण ही करना है। देखिए रिश्तों में कितनी मधुरता आएगी उन दोनों के, और जो शक्ति का तो माँ वैसी प्रतीक है, तो आपको जो भी उनसे मांगना है, जो भी उनको मन अपनी मनोकामना पूर्ण करानी है। इस समय मैं बोलूँगी दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं चल रहा लोगों का, बहुत ही खटास चल रही है। मत भेद तो रहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन इस टाइम पे सुधार है ही नहीं किसी की भी जबान पे, कहते लगाम नहीं है, कुछ भी कहीं भी चल रहा है। अगर पति बोल रहा है तो पत्नी भी उतने ही जवाब दे रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रेम संबंध भी ऐसे ही खराब हो रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, और वो नहीं बोल रही तो मैं बोलूंगा, लेकिन है ना कुछ ऐसे ही मतभेद से रहते हैं। तो उनके लिए छोटा सा स्विच वर्ड जरूर आप बोलिएगा, क्योंकि ज़्यादा तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। या फिर अपनी इस डायरेक्शन में बोलूंगी, प्लेन पेपर पे आप लोग रेड पेन से लिख के आप लगा सकते हैं, ब्रिंग ऑन लव डिवाइन, ब्रिंग ऑन लव डिवाइन, ये आप बार बार चैंट कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं, माँ के आगे बैठ के आप माला का भी जाप कर सकते हैं, और अपने घर की ऑफिस की जहाँ पर भी आप बैठते हैं, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन दोनों में से कोई भी डायरेक्शन होगी उस पर आप लगा सकते हैं। नहीं वो कर सकते अगर आप, तो पिलो के नीचे अपने रख लीजिए, देखिए आपके रिश्ते कितने मधुर हो जाएंगे। कोई भी इंसान होगा उसका, लेकिन आपको नाम ज़रूर बोलना है या पेपर पर आप लिख दीजिए, आपके उनसे रिश्तों में ज़रूर मधुरता आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम उपाय आपने बताए। इससे पहले आपने जाना कि कैसे आप देवी स्कंदमाता को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे आपके रिश्तों में अगर खटास आ रही है तो उसे मधुरता में तब्दील कर सकते हैं, और कैसे अपने नौकरी और व्यवसाय को आप बेहतर कर सकते हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, और कल फिर एक बार फिर से आपके साथ हम जुड़ेंगे एक अन्य खास पेशकश लेकर, जिसमें आपको बताएंगे एक अन्य देवी के बारे में, क्योंकि देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्र के दौरान की जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।